सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा, अलग है साई पूजा, अलग है साई। ओम साई राम, जय साई राम। मैं शीला बिर दिल्ली से आज मैं साई पूजा चैनल के माध्यम से आपके सामने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। साल 2015 की बात है, सावन का महीना, मेरे शिव जी के व्रत रखे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड एक्चुअल में घर में नहीं थे, ऑफिस चले गए थे, तो मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके मंदिर चले गई जल चढ़ाने के लिए। मंदिर गई तो मैंने वहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाया, सभी देवी देवताओं के दर्शन करे। उसके बाद मैं साईं बाबा की मूर्ति के पास गई बाबा के दर्शन करने। बाबा की मूर्ति के पास गई तो बाबा की पूजा करी, आराधना करी, तो अचानक मेरी नज़र बाबा की जो मूर्ति है, बाबा की जो मूर्ति है उसके बाहर से बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के ऊपर साईं बाबा की पुस्तक रखी हुई थी, साईं नाम जाप पुस्तिका। मेरी नज़र उस पर गई तो मैं पुस्तक की तरफ अट्रैक्ट हुई। बाबा की वो पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं घर लेके आ गई। अब वो पुस्तिका मेरे घर आई तो आप वो पुस्तिका मैं आपको दिखा दूँ। ये बाबा की साईं नाम जाप पुस्तिका है। बाबा की पुस्तिका मेरे साथ घर आई तो बाबा का आशीर्वाद लेके मेरे घर पे आई। बाबा का वरदान था मेरे लिए, बाबा मेरे लिए शिरडी का इनविटेशन लेके आए इस पुस्तिका के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये पुस्तिका मेरे घर आई, इससे पहले मैं बाबा को ज़्यादा नहीं जानती थी, बहुत ज़्यादा नहीं पूछती थी ना मानती थी, बस नॉर्मली जैसे सभी देवी देवता हैं वैसे था, बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। ये पुस्तिका मेरे घर आई तो जब मैंने घर में पुस्तिका खोल के देखी तो मैं, ये पुस्तिका साईं नाम जाप पुस्तिका है, इससे पहले मैं कभी साईं नाम जाप पुस्तिका को फिल नहीं किया है, कभी बाबा का जाप नहीं किया इस पुस्तिका में। इससे पहले मैं राम जी की पुस्तिका, श्री राम जी की पुस्तिका को फिल किया करती थी अपने घर में लाके, और राम जी की जो पुस्तिका है उस पर जो बॉक्स होते थे फिल करने के लिए वो बड़े बड़े साइज़ के होते थे, तो बड़े बड़े साइज़ के होते थे, जल्दी फिल हो जाया करती थी। मैंने इससे पहले साईं नाम जाप पुस्तिका अपने फ्रेंड के पास देखा था, पड़ोस में उनको देखा मैंने फिल करते हुए, तो मेरी नज़र उस पर गई तो मैंने देखा कि साईं नाम जाप पुस्तिका में तो बहुत छोटे छोटे बॉक्स हैं, इनको कैसे फिल करेगा कोई, इसमें कैसे अक्षर आएगा और कैसे ये फिल कर पाएंगे, इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा, मेरे दिमाग में ये था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साईं नाम जाप पुस्तिका अपने घर पर इसको फिल कर पाऊँगी या कभी लेके आऊँगी, क्योंकि इसमें तो बहुत छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और राम जी की पुस्तक में तो बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, तो मैं यही था मेरे मन में। तो लेकिन जिस दिन साईं बाबा की पुस्तक मेरे साथ मेरे घर आई, मेरा नज़र ही अब बदल गया। बाबा की जब पुस्तिका मैंने फिल करनी शुरू करी, उसमें शुरू में टर्म कंडीशन दी जाती हैं किस तरह से फिल करना है, तो देखते ही मेरे मन में था कि मैं कैसे फिल करूँगी इसको, क्योंकि इसमें तो बहुत छोटे छोटे बॉक्स हैं। लेकिन जब मैंने फिल करना शुरू करा बाबा के आशीर्वाद से, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। बाबा के वो बॉक्सों में जब मैंने फिल करना शुरू किया तो मुझे लगा था कि बाबा के जो अक्षर हैं, दो अक्षर का जो नाम है, ये इतने से छोटे से बॉक्स के अंदर कैसे आएगा, ये तो बहुत छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये तो फिल करने, ये तो शायद नहीं फिल हो पाएगा। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो वो बाबा का जो नाम लिखने के बावजूद उस बॉक्स के अंदर भी एक्स्ट्रा जगह बच रही थी, ये बाबा की लीला है। मैंने लिखना शुरू किया तो बस ऐसे लिखते चले गई। साल 2015 के बाद से मैं साईं नाम जाप पुस्तिका लिखते आ रही हूँ, जब भी मुझे समय लगता है, जब भी मौका लगता है, मैं बाबा की पुस्तिका लेकर साईं नाम जाप करती हूँ, और तब से मैंने 4-5 पुस्तकें लिख चुकी हूँ। और ये बाबा का आशीर्वाद था। बाबा की जब ये पुस्तक मैंने जब नाम जाप शुरू करा, उसके बाद जब मैंने आखिर में देखा तो बाबा की पुस्तक के आखिर में शिरडी जाने का पूरा मैप इसमें लिखा था, पूरा इसमें ब्यौरा दे रखा था कि किस तरह से आपने शिरडी जाना है, कहाँ से जाना है, ट्रेन कहाँ से पकड़नी है, इस तरह से जिस तरह से बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया हो कि बेटा आओ आप, मैं आपके लिए इनविटेशन भेज रहा हूँ। तो ये बाबा की लीला थी।
बस वो मैप क्या देखा, मेरे मन में बस विचार आया कि नहीं अब तो जाना है सिरडी। बाबा ने रास्ता दिखा दिया, अब तो जाना है सिरडी। तो ठान लिया मन में। मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो वो भी राजी हो गए। अब मन में था कि अकेले कैसे जाएं, एक जना तो साथ में और कोई होना चाहिए, एक फैमिली और। तो अपने भाई भाभी को फ़ोन किया हमने तो वो भी तुरंत राजी हो गए। कहते हैं ना, बाबा की लीला परम्पार है, जब कुछ करते हैं बाबा की लीला परम्पार। इस तरह से हमारा सिरडी जाने का प्लान पक्का हुआ। भाई भाभी से बात की तो वो भी तुरंत राजी हो गए। बहुत ही खुश हुई, बहुत ही मन को खुशी मिली कि चलो बाबा ने बुलाया है। तो सारे काम बन गए हमारे, सिरडी का टिकट बुक हो गई। बुक आते ही हमारे घर में 2 महीने के अंदर अंदर हमारी सिरडी की टिकट बुक हो गई। हम सिरडी की टिकट हमारी 24 अक्टूबर की, उस दिन दशहरा का दिन था, उस दिन की हमारी टिकट हुई। और बाबा की कृपा से हमने सिरडी के लिए प्रस्थान करा। अब देखिए, इस बुक के घर में आने के बाद और सिरडी जाने तक बीच में छोटे 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 बाबा के ऐसे एक्सपीरियंस होते रहे, मैं बता नहीं सकती आपको। बाबा ने अपने होने का मुझे बहुत एहसास कराया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बहुत तेरे साथ हूँ। मुझे हर पल हर क्षण मुझे एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ। बाबा की लीला अपरंपार। अब देखिए, हम लोग सिरडी के लिए निकल गए। रास्ते में भी एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। रास्ते में मेरा मेरे फैमिली से हम 5 जने थे, और मेरे भाई के फैमिली से मेरे भाई भाभी, मेरी मदर और एक बेटी उनकी छोटी सी, वो लोग थे। रास्ते में क्या हुआ, सीढ़ी जाते हुए रास्ते में एक रेलवे स्टेशन आता है बीना नाम से। जब वो स्टेशन आया तो ट्रेन रुकी, हमारे पास पानी पीने के लिए बहुत कम रह गया था। तो मेरा भाई उतरा ट्रेन पानी लेने के लिए। तो वो गया पानी लेने के लिए, तो ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकी, एक भाई उतरा था, बाकी कोई नहीं था पानी लेने के लिए। तो जब तक भाई आता, ट्रेन जो अपने स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया, ट्रेन चलने लगी। और हम लोग भाई को ढूंढने लगे, कहाँ गया, भाई तो चढ़ा नहीं ट्रेन में, और ट्रेन अपनी स्पीड से चलना शुरू हो गई। अब आप देखिए, आपका फैमिली का कोई मेम्बर ऐसे शुभ कार्य में अगर कहीं छूट जाता है, साथ नहीं हो पाता, तो कितना दुख होता है। हमारे सीढ़ी जाने की जो खुशी थी वो एकदम बदल गई। सारे परेशान हो गए ट्रेन में, सब परेशान कि नहीं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बाबा हम आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं और ये सब क्या हो गया, भाई छूट गया, हम कैसे दर्शन करेंगे, कैसे खुश मन से आपके दर्शन करेंगे बाबा। बहुत सब बेचैन हो गए, परेशान हो गए ट्रेन के अंदर। और एक परेशानी और, भाई तो छूट गया, लेकिन एक दिक्कत, भाई के पास ना तो फ़ोन ना तो पैसे, क्योंकि फ़ोन भी और पैसे भी दोनों ही भाभी के पास रह गए। अब ट्रेन जैसे चलने लगी तो हमने इधर उधर से पता किया, तो टीटी से भी पता किया। टीटी ने कहा कि ट्रेन तो अब 15 किलोमीटर जाके दूर रुकेगी, कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता। बहुत इसके बाद सुनते ही बहुत टेंशन बढ़ गई सबकी कि अब क्या होगा, भाई के पास तो ना फ़ोन है ना पैसे हैं, कैसे करेगा, कैसे आएगा, कैसे हम लोग दर्शन करेंगे दुखी मन से। बस बाबा की लीला देखिए, हम सब बस सही रास्ते पर बाबा का नाम लेते हुए बाबा से प्रे करते रहे कि बाबा आप ही करो कुछ, अब सब आपके भरोसे हैं। बस 15 किलोमीटर जब हमारा स्टेशन आया अगला, बाबा की लीला देखे, मेरा भाई अगले डब्बे से हमारे डब्बे में अंदर एंट्री करता है। हम सब देखते हैरान, सारे खुश कि चलो बाबा की लीला। बाबा ने भाई का हमारे भाई को वापस भेज दिया, और इस तरह से हमारी यात्रा खुशी खुशी आगे बढ़ी। इस तरह से हम अगले दिन सुबह 5 बजे सिरडी पहुँचे। बहुत अच्छे से वहाँ पे हमको कमरा मिला, हमने बाबा के दर्शन करे, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हालांकि थोड़ा धक्का मुक्की हुई, लेकिन जैसे जैसे बाबा के मंदिर में आगे बढ़ते गए बाबा के लिए अट्रैक्शन और बढ़ता गया, उनको देखने की लालसा और बढ़ती गई। और आखिर में जब बाबा के दर्शन हुए तो मन खुशी से हमारे झूम उठा। ऐसे हमारी बाबा की लीला है, बाबा ने हमें सिरडी बुलाया। बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। अब मैं आपके साथ अपना दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक एक्सपीरियंस है मेरा, अभी मेरे मन में, मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, बाबा को बहुत दिल से मानती हूँ, बाबा की पूजा करती हूँ। मेरे मन में एक हमेशा से विचार रहता था कि काश मेरे घर के आसपास कहीं साई संध्या होती तो मैं बाबा की साई संध्या में बाबा के कीर्तन भजन कर पाती। काश कभी ऐसा होता,
काश कभी ऐसा, बस मन में ये विचार आता था कि काश कहीं बाबा की साई संध्या होती और मैं बाबा के दर्शन करने के लिए जा पाती, साई संध्या में अटेंड कर पाती, मैं वहाँ पर बाबा के कीर्तन भजन सुन पाती। ये मेरे मन में बहुत मन में बात रह गई थी। लेकिन बाबा अंतर्यामी है, अपने बच्चों के हर मन की बात को जानते हैं, सुनते हैं। इस बात को कम से कम 2-3 साल बीत गए, मेरे मन में रह गई। मैं कभी लोधी रोड मंदिर जाती हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे भी मैं देखती थी कि लोग जो साई संध्या करवाना चाहते हैं वो अपने पैम्पलेट्स बांटते हैं लोगों को कि साई संध्या के, तो बड़ी खुशी होती थी वो देख के। लेकिन बस एक मन में उदासी रहती थी कि कैसे मैं यहाँ इतने दूर आ पाऊँगी अपने घर से, मेरे घर वाले कैसे मेरे को भेजेंगे इतना दूर, रात को वैसे भी नहीं भेजते। तो इस तरह से बाबा, वो बात मेरे मन में ही रह गई, दूर नहीं मैं जा सकती थी। रात को फैमिली का सपोर्ट नहीं था, इस वजह से दूर कहीं जाना नहीं हो पाता था। तो बाबा की लीला देखिए, अभी साल 2019 में हमारे ही स्टाफ में साई संध्या का एक किसी के घर में उन्होंने विचार बनाया, उनके बेटे की शादी थी पड़ोस में, तो उन्होंने साई संध्या रखवाई अपने घर में। अब साई संध्या उन्होंने नवरात्रों में रखवाई थी अक्टूबर में, लेकिन किसी कारण से उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई तो वो साई संध्या आगे के लिए पोस्टपोन हो गई। अब बाबा की लीला देखिए, जब मैंने उनके मुंह से सुना था कि उनके घर में साई संध्या होनी है तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत। मेरे मन में विचार आया कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो मेरे घर के पास मेरे पड़ोस में ही आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। इतनी मेरे मन में इतनी खुशी हो गई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला कि वो कैंसिल हो रही है, क्योंकि उनके घर में किसी की डेथ हो गई है, वो कैंसिल हो गई। अब फिर मन फिर उदास हो गया कि नहीं ये क्या हो गया। लेकिन 1-2 महीने बाद फिर पता चला कि वो नवंबर के लिए पोस्टपोन हो गई है, साई संध्या जो रखी गई है उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दिया और वो नवंबर में रखी गई है। नवंबर में उसकी डेट थी 19/11/2019। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जब मुझे वो डेट पता लगी तो वो डेट जो था मेरे बर्थडे का डेट था, मेरा बर्थडे आता है उस दिन 19/11 को, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स मेरा बर्थडे 19/11 को आता है। और मुझे इतनी खुशी कि बाबा आप कैसे हो, अंतर्यामी हो, आपने मुझे मेरे बर्थडे के दिन आप यहाँ पधार रहे हैं, मेरे मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी थी मेरे दिल में। वो दिन आया मेरी खुशी का बहुत बड़ा दिन, मेरी एक इच्छा बाबा ने पूरी कर दी थी। बहुत खुशी बाबा के दर्शन करके। जय साई राम। और आगे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे पास। एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं। मैं अपनी बेटी को लेने स्कूल जाती हूं दिन के टाइम पे, मेरे हस्बैंड सुबह छोड़ते हैं तो दिन में मैं अपनी बेटी को लेने के लिए जाती हूं। बेटी को लेने जाती हूं तो बस में जाती हूं। कई बार ऐसा होता है कि बस नहीं मिल पाती, लेट हो जाता है रास्ते में, बस लेट आने के कारण देर हो जाता है स्कूल पहुँचने में। तो मैं बाबा से मन में प्रार्थना करती थी, बाबा प्लीज़ बस भेज दो, बस भेज दो, प्लीज़ बस भेज दो। तभी एक बस आती है, बस मन में याद करती ही एक बस आती है ऑरेंज कलर की, और उस बस में आप यकीन नहीं करेंगे, उस बस में आगे ड्राइवर के सीट के पास ही बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। बस ऐसे लग रहा था जैसे खुद बाबा चल के आए हो, दौड़ के उस बस को लेके आए हो मेरे पास। इतनी खुशी हुई जब मैं उस बस में चढ़ी, देखा तो आगे ड्राइवर की सीट के पास बाबा की फ़ोटो बड़ी सी लगी हुई है। मन में इतनी खुशी हुई जैसे बाबा खुद चल के आए हों मेरे पास। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं। चलिए मैं आप अपना एक्सपीरियंस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे भी मैं आपको अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। बाबा की कृपा सदा अपने भक्तों पर बनी रहे। साई पूजा चैनल जो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा पूजा दीदी पे अपनी कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें, और हम सब साई बाबा के ही रास्ते पे चलते रहें। इसी के साथ जय साई राम, ओम साई राम।